बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वी आर गोइंग टू डिस्कस द साउंड इंटेंसिटी लेवल इन टुडेज़ लेक्चर। साउंड इंटेंसिटी लेवल कैन बी रिटन एज साउंड लेवल और इंटेंसिटी लेवल। इसे साउंड लेवल भी कह सकते हैं और इंटेंसिटी लेवल भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ इंटेंसिटीज। For a human ear, human ear can hear the faintest audible sound whose intensity is 10 raised per minus 12 watt per square meter. It is the faintest audible sound. यानी मध्यम तरीन आवाज, जैसे सरगोशी से भी कम। ओके, इसे नीचे हम नहीं सुन सकते। And the loudest audible sound has an intensity watt 1 watt per square meter, which is the intensity of the painful sound. Okay, below this level the sounds are inaudible. And above this level the sounds are inaudible. यानी दोनों जो है इससे अबव और इससे ब्लो दोनों क्या है जी, इनऑडिबल रेंज। ओके, अच्छा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लाउडनेस एंड द इंटेंसिटी, आई विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। लाउडनेस इज बेसिकली द सेंसेशन प्रोड्यूस बाय एनी साउंड ऑन अवर ईयर। यानी लाउडनेस क्या है, एक सेंसेशन, एहसास है जो कि कोई भी साउंड हमारे कान पे छोड़ती है। साउंड which produces a sensation in our ear is called the loudness. It could be variable for person to person. It could be different. The persons whose ears are sensitive can hear clearly. जिनके कान के पर्दे sensitive हैं वो clear सुनेंगे. And the persons whose eardrums are hard, they are less flexible, cannot hear clearly. यानी वो सही तौर पर वो सुन नहीं पाएंगे। लाउडनेस जो है वो एज के साथ डाउन होती है। देखो ना, फ़र्ज़ करें कि भी आप अपने नाना नानी दादा दादी से कोई बात करते हैं तो आप अपने नॉर्मल अंदाज से, अगर नॉर्मल वॉइस से बात करते हैं तो वो कहते हैं क्या बोल रहे हो, या वो कान आपके पास लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपके मुंह की तरफ कान करना चाह रहे होते हैं। ऐसे ही ना, वो इसलिए करना चाह रहे होते हैं कि उनके जो कान के पर्दे हैं ना, ईयर ड्रम्स, वो हार्ड हो चुके होते हैं। उन्हें फिर वाइब्रेट करने के लिए आपको ज़्यादा जो है वो इंटेंसिटी वाली साउंड थ्रो करनी पड़ती है। ओके, अच्छा, लाउडनेस क्या है, एक जस्ट सेंसेशन, इट इज़ नॉट द फिजिकल क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट कांट बी मेजर्ड। ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसको मेजर हम नहीं कर सकते। ओके, बट इंटेंसिटी इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इन वॉट पर स्क्वायर मीटर। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। जिसे आप किस में मेजर करते हैं, वॉट पर स्क्वायर मीटर में, क्योंकि हर फिजिकल क्वांटिटी का कोई ना कोई यूनिट होता है। लाउडनेस का कोई यूनिट नहीं, बिकॉज इट इज नॉट द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अच्छा, लाउडनेस और इंटेंसिटी का लिंक जो है वो लॉगरिथमिक लिंक है। इसे लॉगरिथमिक स्केल, और इसके ऊपर जो काम किया था वो सर ग्राहम बेल ने किया था, वो बंदा जिसने टेलीफोन ईजाद किया था। ओके, तो लाउडनेस is not just directly proportional to intensity. यानी loudness और intensity का अगर link लिया जाए ना, कि अगर हम कहें कि अगर हम ऊँचा बोलते हैं तो intensity भी बढ़ती है, तो ऐसा नहीं है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि logarithmic scale है, loudness is directly proportional to log of I. अगर हम intensity का log लेते हैं तो फिर जो loudness उसके directly proportional आती है। ओके, अच्छा, when we remove the sign of proportionality, we use equal and constant. The constant which I will use here is K. Okay? Yes, sir. Name this equation as 1. ये equation उसके लिए बनी कि एक sound है जिसकी loudness का हमें नहीं पता, उसकी intensity का हमें नहीं पता। For a sound of unknown loudness and
unknown intensity. Okay, but if we want to write this equation for a known sound whose loudness and intensities are known, let's suppose for faintest audible sound, whose loudness is L naught and whose intensity is I naught. जिसकी loudness L naught और उसकी intensity क्या है? I naught. This equation can be written as L naught equals to K log I naught. Okay? Yes, sir. अब ये क्यों बनाई? उसकी एक reason है. Difference of L and L naught is called the sound intensity level. इन किसी unknown sound की loudness के लिए जो आपने equation बनाई है, उसमें से फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की लाउडनेस के लिए जो इक्वेशन आपने बनाई इनको माइनस कर दें तो वो जो चीज़ कहलाएगी वो साउंड लेवल भी कह सकते हैं, उसे इंटेंसिटी लेवल भी कह सकते हैं, ये साउंड इंटेंसिटी लेवल भी कह सकते हैं. सो आई विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम वन. L minus L naught equals to K log I minus K log I naught. Okay? मुझे अब ये बताएं कि इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है. L भी निकल सकता है, I और I naught मुख्तलिफ हैं. ये तो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी से 10 K log भी ले लें कॉमन. Yes. No. देखे ना, log आपने 9th में पढ़ा था कि लॉग्स को सॉल्व करने के लिए हमें लॉज यूज़ करने पड़ते हैं, इसलिए लॉग हम यहाँ पे कॉमन क्योंकि इसे सिंगल लॉ की फॉर्म में लिखना है तो फिर हमें लॉ यूज़ करना है. सो आई विल टेक के एज कॉमन एंड द ब्रैकेट विल कंटेन लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट. अब ज़रा देखें कि अगर डिफरेंस में लॉग हो उसे आप सिंगल लॉग में लिखना चाहें तो बाई यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ लॉग आई विल राइट लॉग आई ओवर आई नॉट. Okay. Now I can write it as intensity level K log I over I naught. Done. Yes. अब हम next heading की तरफ आते हैं जो जिसमें हम इसके unit बनाएंगे. ठीक है, ये एक basic formula है. अब हम unit formation की तरफ जाएंगे और फिर जो Graham Bell ने work किया उसके बारे में जो है वो discuss करेंगे. अच्छा, if we have a sound whose intensity is 10 times greater than the faintest audible sound's intensity, yani aisi koi sound hai jiski intensity jo faintest audible sound ki intensity ki nisbat 10 guna zyada hai, in that case intensity level will be taken as unit. Usko kya mana jayega? Unit. And that then the value of k comes out to be 1. Matlab kya iska? यानी इसको हम यूनिट मान रहे तो इसकी जगह वन लिखेंगे. यस सर. इक्वल्स टू के लॉग आई की जगह हम क्या लगाएंगे? 10 आई नॉट ओवर आई नॉट. ओके, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल. वन इक्वल्स टू के लॉग 10. बाय यूजिंग कैलकुलेटर द वैल्यू ऑफ के वैल्यू ऑफ लॉग 10 कम्स आउट टू बी 1. इन दैट केस के इक्वल्स टू 1. अच्छा, अब इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं 3 का. अगर हम k की जगह यहाँ 1 पुट करते हैं देन वी कैन यूज द यूनिट एज बेल. ओके, तो यानी अगर हम इंटेंसिटी लेवल इक्वल्स टू k की जगह 1 पुट करते हैं लॉग i ओवर i नॉट और फिर हम क्या लगाएंगे? बेल. ओके, इसको उधर थोड़ा दोबारा देख लो. इफ वी हैव अ साउंड ऑफ इंटेंसिटी 10 I naught, mean its intensity is 10 times greater than the faintest audible sound. In that case, K comes out to be 1 because we will take the intensity level as unit. Intensity level ko kya lenge? Unit. Unit lenge. Unit mean 1 ho gaya. Yes. Okay. Acha, in that case, we will use the unit bell. Bell. Okay. Yes, sir. Ye us wakat lena hai jab K ki jaga 1 lagana hai aapne. अदरवाइज अगर k अपनी जगह पे है तो फिर कोई यूनिट यहाँ पे नहीं आएगा. इंटेंसिटी लेवल इक्वल्स टू लॉग i ओवर i नॉट इनटू बेल. ओके, अच्छा आप देखें
जैसे हम इसके अगर प्रीफिक्सेस में इसे राइट करना चाहें तो उसके लिए मैं डेसिबल की तरफ जाना चाहूँगा। बेल को सिंबलाइज किया जाता है कैपिटल बी से, डेसी प्रीफिक्स है। बेल इज बेसिकली द लार्जर यूनिट एंड वन बेल विल बी इक्वल्स टू 10 डेसिबल। बाय मल्टीप्लाइंग 10 टू दिस फॉर्मूला द यूनिट विल बी कन्वर्टेड इनटू डेसिबल। इसलिए अगर आप यहाँ पे 10 लिख देते हैं, 10 लॉग आई ओवर आई नॉट, तो फिर आप बेल की जगह पे क्या लिखोगे, डी बी डेसिबल। बेल में बी कैपिटल डी डेसी, ये क्या है, प्रीफिक्स। ओके अच्छा, ये वो फार्मूला है जिसमें हम कन्वर्शन अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास कोई साउंड इंटेंसिटी वॉट पर स्क्वायर मीटर में है तो उसे आप डेसिबल्स में कैसे लाएंगे। इसके एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। आपको एक साइड पे टेबल दिया होगा जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ों की साउंड इंटेंसिटीज में, मतलब वॉट पर स्क्वायर मीटर में दी हुई हैं, और आगे इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ है। तो ये कैसे कन्वर्ट हुआ, इसमें से मैं एक चीज़ सेलेक्ट करता हूँ कि अगर आप विस्पर की बात करें, किस चीज़ की विस्पर, सरगोशी, उसकी इंटेंसिटी है 10^-9 वॉट पर स्क्वायर मीटर। और अगर आपको कहा जाए कि इसका इंटेंसिटी लेवल क्या होगा, मीन डीबीज में क्या होगा, डेसिबल्स में, ठीक है, तो जब हम डेसिबल में इसकी बात करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। इंटेंसिटी लेवल इक्वल्स टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट डीबी। अच्छा, ये कांस्टेंट है, इसकी जगह 10^-12 वॉट पर स्क्वायर मीटर ही लगना है जहाँ भी ये आए। आई नॉट की जगह जी आई 10^-9 हमने सेलेक्ट किया ना विस्पर का, -12 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +12। By using third of log, yes sir, 3 will be written before log, okay, 10 multiplied by 3, log 10 की जगह पे 1 आ गया, it means 10 threes are 30 dB का आ गया intensity level, okay, लो जी बेटा जी, ये आपका topic हो गया wind, done, तो ये इस तरह आप कोई भी, आपको वो जो टेबल साइड पे दिया हुआ है ना, उसमें आप एक दो एग्जांपल अपने पास से कर लें कि भी इसको कन्वर्ट करना सीख लें। ओके, थैंक यू वेरी मच।